और एक पकोड़ा है। ये टंगड़ी मेरा, ठीक है? You know the greeniness आ गया है अभी से। This Welcome back to the world of food where you and I, we connect, we talk, we eat, we cook, we do everything. आज का जो होने वाला है वीडियो दैट इज ऑन अ रेसिपी और प्लस एक मुकबंग वीडियो। और हम करने वाली, देखो पहले वाले दिन मैंने पनीर वाला करा था फॉर माय वेज फूड फोक्स, तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन वाला जो फॉर माय नॉन वेज फूड फोक्स। यार बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना, मतलब ये भी खुश रहे वो भी खुश रहे। तो आज मैं बनाऊंगी धनिया लेमन चिकन जो मैंने उस दिन शॉर्ट बनाया था, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा था इसका बड़ा वाला फॉर्म बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देते हैं। आज संडे भी है और संडे मतलब चिकन डे, तो सोचा कि आज क्यों ना बनाए। तो आज से धनिया लेमन चिकन ही बना रहे हैं। हाँ, उसके साथ हम जीरा राइस बनाएंगे, उसके साथ हम पूड़ियां बनाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यम्मी डिलीशियस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। और एक भी पार्ट नहीं स्किप करना, सारा देखना यार, बहुत मेहनत से कर रही हूं यार, थोड़ा सा तो देखा करो। एंड मेक श्योर वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और वो जो बेल वाला आइकन है ना साइड वाला, वो वाला भी दबा देना, वरना क्या ही फायदा है यार सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि आप लोगों को तो दूसरा वाला चीजों का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। यार यहाँ पे हम बहुत खाते हैं और बहुत खाते हैं, बहुत बनाते हैं। आप जाओ रात को देख के आओ, बासी वाली प्रिया को वो पहले मैरिनेट की थी, तो वो जो है मैं फ्रिज से निकालती हूँ, और तब तक आप मैरिनेशन देके वापस आ जाओ, जल्दी आना। आप लोग आ गए, सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैरिनेशन। A little bit of ginger paste, garlic, and this is the star item. This is dhania patta, because हम लोग बना रहे हैं धनिया लेमन चिकन। So धनिया पत्ता का जो पेस्ट तो मैं अभी थोड़ा सा यूज कर रही हूँ, rest I'll use it tomorrow, हाँ? But ये डाल दूँ, थोड़ा सा mustard oil, ये रहा गौधराज लेबू। This is also the star item of this dish. बाकी इसका जो खुशबू है ना, जिसमें एकदम घुस सा जाए, थोड़ा सा नमक मैं अभी दूंगी, क्योंकि कल तो बनेगा ही यार हल्का, में मतलब बोल सकते हो 1 teaspoon में हल्दी दूंगी, उससे ज्यादा नहीं। Now this is a mixing time, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे यू नो फो मिक्स करना, मिक्स करते हो मुझे बहुत सही से। कैन यू सी दिस, यू नो द ग्रीनीनेस आ गया है अभी से, मस्टर्ड ऑयल का एक स्मेल आ रहा है, नींबू का एक स्मेल आ रहा है। ये रहा चिली पेस्ट, अब इसमें जो है मैं एक नहीं ऐसे दो स्लाइस कर लिया, इसको मैं जो है स्क्वीज कर दो दोनों मिला के। ये रहा, गिव इट अ वेरी 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 गुड टॉस। सुबह तक ये अभी भी कितना अच्छा स्मेल आ रहा है, नहीं वाह, बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है अभी से। मतलब सोचो अभी ये 12-13 घंटा मैरिनेट होगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है इतना थोड़ा सा चिकन, तो अब मैं इसका जो करने वाली हूँ मैं आप कल देखोगे, आज के लिए सिर्फ मैरिनेशन देखो। जिंजर, थोड़ा सा जो है गार्लिक, नमक, हल्दी, थोड़ा जो है ये रेड चिली पाउडर है, अच्छे से फेंटना पड़ेगा। ओ लुक एट दिस गुडनेस, सी हो गया मैरिनेटेड। अभी इसको जो है रन देंगे फ्रिज में फॉर 12-13 hours, और उसके बाद हम बनाएंगे वेरी डिलीशियस कल का लंच, जो मैं बहुत ईगरली वेट कर रही हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ खाने के लिए। और ये वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छा होने वाला है। ओ आप आ गए, तो निकालते हम अपना जो है मैरिनेटेड चिकन। सी ओ वाओ लुक एट दिस ग्रीनरी, आई जस्ट लव ग्रीन। आज का जो वीडियो होने वाला ना, चिकन लवर्स बी रेडी, हाँ बहुत अच्छा वीडियो देने वाली हूँ, उसके बाद बहुत अच्छा हम खाने वाले, सो स्टे ट्यून्ड। अगर अच्छा अच्छा खाना है तो पूरा देखना पड़ेगा ना यार। तो अब करेंगे हम चॉपिंग वाला पार्ट, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बालों को क्लच करना खाना बनाने से पहले। तो ओ मैंने तो आप लोगों को बोला ही नहीं, वेलकम टू माय क्वार्टर किचन। और ग्रीन मिलता है ना, उसका जो कलर आता है ना, वो कलर मुझे पसंद आने लगा। सो इसीलिए आपने देखा होगा मैंने चुटकी भर जो है हल्दी यूज करा था मैरिनेशन में, और अब जब मैं खाना बनाऊंगी ना उसमें बिल्कुल हल्दी का यूज नहीं करूंगी। सो इट वुड बी थोड़ा सा जो चुटकी भर हल्दी है वो, और उसके साथ जो ये बरिस्ता बनेगा ना, इसका प्याम जो अपना कलर छोड़ेगा ना भूनने के बाद, जो गोल्डनिश कलर, उसके साथ मिलकर जो भी कलर आएगा, दैट कलर आई लाइक, यू नो।
गॉड, खत्म हो गया। जो जो सबसे अच्छा लगता है खाने में और जो सबसे ज्यादा रुलाता है। कभी चॉप कर लो। यू नो कुकिंग एंड चॉपिंग इज अ थेरेपी टू मी। अब रहा पुदीना, तो ये वाला चिकन में ना, आप थोड़ा बोल सकते हो, मैं ना इसमें थोड़ा सा मिंटी टच देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। सो यू कैन टोटली अवॉइड मिंटी। अगर आपको आपका चिकन मिंट अच्छा नहीं लगता, बट अच्छा लगता है, डू ट्राई इट लाइक दिस, क्योंकि लेमन मिंट बहुत अच्छा जाता है। कल वो आलसी प्रिया जो रात को मिली थी आपको मैरिनेशन में, उसमें ना मिंट देना भूल गई थी। फिर आप जब कैमरा में बंद हो गया ना, फिर मुझे याद है चलो यार डाल देते हैं थोड़ा सा। मैंने ऊपर से उसमें थोड़ा सा डाल दिया। किसी ने पूछा था मिंट कितना देना चाहिए। सो इफ यू टेकिंग 1 किलो ऑफ मतलब 1 kg चिकन, तो आप हैंडफुल ऑफ पुदीना दे सकते हो, ज्यादा नहीं बट हैंडफुल। अगर आपको मिंट का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर थोड़ा मोर अमाउंट, बट मैं जो है थोड़ा कमी रखती हूँ। मुझे मैं थोड़ा सा जो है आई लव माई रायता टू बी मिंटी, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए रख दूंगी। और मैं जब चॉपिंग कर रही हूँ तो एक साथ सबके लिए कर लेती हूँ। देखा, माइंडफुली कुक करो, माइंडफुली, बाद में काम ना बढ़े। तेरा माइंड अच्छा है इसीलिए। तो मेरा माइंड खराब है? नहीं नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं माइंड अच्छा है। Let's start cooking. Let's start the thing जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, खाना और खाना बनाना। Look at my chickeny वाला platform. ये रहा कढ़ाई। Tin oil. Spoon of घी। वो गोल्डन, यू कैन सी द जूसीनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा हम ब्लैकिश टर्न नहीं किए, तो वो जूसीनेस भी है। सो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैरिनेशन करते वक्त थोड़ा कम रखा था, वो अभी हम उसमें डालेंगे। टमाटर डाल देंगे। ये जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा नमक मैं अभी डाल दूंगी। टक 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 डाल दो। तो ये रहा चावल जो है मैंने भिगो दिया। फॉर आवर जीरा राइस कलर एंड थोड़ा सा तीखापन, ये मसाला तो देखो हमारा मोस्ट फेवरेट, एंड दैट इज ग्रीन यार, लुक एट दिस कलर। थोड़ा डिलीशियस रॉ चिकन जो बन के तैयार होगा। ओ मास्ट स्मेल तक कुछ मैं उजेड़ दो। सो मेरी माँ को लग रहा था मैं ये नहीं दूंगी, वो हमेशा ना शूट जब होता है उनको ये देना, मैं बोली हाँ दूंगी, पहले वो एस्थेटिक वाला शॉट ले लूं उसके बाद देती हूँ। कूट के दे, कूट के ना, बस कोरा कोरा ये टंगड़ी मेरा, ठीक है। ये देखो, ये मम्मी ने मेरा हैंडल बनाया, मेरे स्कूल के मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म था उसका हैंडल बनाया। और मेरी फ्रेंड है ना मालनी, उसके घर में बना है बैग थैला, उसमें सब्जी लेके आती है। हमारे घर में ये किसी घर में पक्का से पूछना। उस टाइम पे जो थोड़ा सा मेरा पेस्ट किया हुआ धनिया पत्ता है वो मैं डाल दूंगी, पुदीना दिया था वो भी मैं डाल दूंगी इस टाइम पे। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनो, थोड़ा सा जो है केवरा जल में डाल देती हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। वैसे ही अगर ड्रॉप ज्यादा हो गया ना तो उतना ही खराब लगने लग जाएगा। ग्रेवी रखना चाहो तो भी रख सकते हो, पानी थोड़ा ऐड कर लो, ग्रेवी रख लो, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट हमें ना वो ड्राई ड्राई सा खाने में बड़ा मजा आता है। जीरा राइस का प्रिपरेशन भी कर रहे थे, इसके लिए हम डालेंगे ऑयल। पहले ये बड़ी वाली इलायची में डाल दूंगी, जीरा में पानी। तो ये जो है अभी बॉयल आएगा, उसके बाद ही हम इसमें राइस डालेंगे। बट इसमें डालेंगे क्या, अभी नमक डालने के बाद हल्का से इसे चला लेना, हल्का सा। अब ना ये ऑलमोस्ट जो होने आ जाएगा ना, तो आप पहले भी घी का ऐड कर सकते हो, टूटे ना भाई कुछ भी हो, चावल ना टूटे हमारा। ये जो मैंने सेव करके रखा था ये कौंधराज लेबू, अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल लाइम भी आप जो है स्क्वीज कर सकते हैं। ऐसे स्क्वीज कर दो अच्छे से, क्योंकि नींबू डालने के बाद अगर बहुत देर तक मैं गैस ऑन रखूंगी तो उसका वो खुशबू भी चला जाए। यहाँ है वो मैं डाल दूंगी। सो है टंगड़ी,
तो चिकन बनाना हो गया जो हमारा स्टार आइटम है, अब बनाएंगे इसके साथ लूची पूड़ी, जो बोलो मतलब चिकन के साथ लूची पूड़ी खाने का मजा ही अलग है। तो मम्मी को ना मैंने सुबह ही जो है इसको गूंथ के रखने बोला था, वरना दिस वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी लॉन्ग। थोड़ा सा मैं इसको मार लूंगी अच्छे से, इसमें ऑयल डाल दूं, सुपुड़िया तल्ला भी हो गया। तो हमारा लास्ट आइटम बाकी है, दैट इज फ्राइड कबाब, जिसके बाद आ जाएंगे। लुक एट दिस, सो ये रहा, अभी इसको हम फ्राई कर लेते हैं, एक एक कर सकते हैं। इसमें ना मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर दे दूंगी, आप चाहे तो इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हो जो मैंने पहला सेट को किया है। मजाक तो भी हुआ नहीं, कॉर्नफ्लावर ऐटा खेते कौन जय खाना। अरे आ यहाँ पे, जय शर्माइन विद ऑडियंस, सी सी माय पीपल, सी माय फूड फॉक्स, से हाय। तो जय खा के बता। ओ बहुत सही है, ऐसा क्या चलता है कॉर्नफ्लावर के साथ, क्या चलता है मैं बता रही हूँ। ये वीडियो पूरा तक देखना, मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्यों नहीं करते हो रे? हाँ सब कुछ करना, सब कुछ करना मेरी मम्मी का। थोड़ा अच्छे से बोलो मम्मी, कैसा लग रहा है? जय गुरु, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आ देख रहे हो, आ क्या लुक एट माय लंच टेबल, दिस इज अ ह्यूज लंच, यू नो ह्यूज लंच, पूड़िया, चिकन, लेमन, धनिया, पुदीना, सब चिकन, जैसे जीरा राइस, नॉर्मल राइस भी रखा है, क्योंकि प्रिया दी आप बिल्कुल क्या रोटी नहीं खाते? हाँ मैं बिल्कुल रोटी नहीं खाती, मैं सिर्फ राइस खाती हूँ, इसलिए राइस भी रखी हूँ, राइस का एक और एक दूसरा वैरायटी भी रखी हूँ। और जिनको लगता है कि मुझे थोड़ा रोटी खाना चाहिए उनके लिए मैं पूड़िया रखी हूँ, जो मुझे रोटी खाते हुए देखना चाहते उनके लिए मैंने पूड़िया रखा है, तो मैं पूड़िया भी रखी हूँ। So welcome to my lunch table, my grand lunch, जो मतलब मेरे मुँह में देखते ही पानी आ रहा है। So I'll start with this kebab fry, जिसे मैंने पकोड़ा बोला था, cancel है पकोड़ा, cancel, this is actually kebab fry, मैंने गलती से पकोड़ा बोल दिया था। एक थोड़ा सा मुझे इतना ही चलेगा। सर इसके साथ अगर नहीं खाओ तो क्या खाओ, इसमें हम थोड़ा सा कर देंगे नींबू निचोड़ देंगे, जो ऑन करो चीज़ को वीडियो को, विशेष कम तो नमक और थोड़ा सा ये दे दो ना, मुझे पानी आ जा रहा है मेरा, मैं बता रही हूँ। इसको जो है हम ट्राई करेंगे, मम्मी ने नमक भी डाल दिया है, थैंक यू। अब इसको जो हम करेंगे ये धनिया पत्ता का जो चटनी बनाया था ना उसके साथ थोड़ा सा लेती हूँ, यार आई हैव सो मेनी थिंग्स टू ईट। फ्राइड कबाब को अच्छे से इसके अंदर डिप करो और खा जा। Fried cheese without onion is the best fried cheese, यार। Too good. मतलब अगर किसी को चिकन पकौड़ा, कबाब ये सब पसंद है ना, तो प्लीज ये वाला एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। दिस इज वेरी 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 डिलीशियस। क्या खाऊं? मैं दूं। दोनों। पूरी दूं। मेरा भोग चला है। मम्मी एक। This is my star item. I have to take this. ये थोड़ा सा हम ये लेंगे। इसे बोलते हम लोग काई, करना पड़ रहा है। ये रहा, ये मैं ले लूंगी यहाँ पे। ओह लेट मी टेक दिस डिलीशियस बाइट विद दिस पूड़ी, यार दिस इज खट्टा खट्टा, दिस इज मीठा थोड़ा सा बनाया। So this is all for them, जो मुझे रोटी या दूसरी किसी चीज़ में खाने, ब्रेड का खासकर कि ब्रेड खाने में देखना चाहती हूँ उनके लिए है, आई टेक दिस बाइट फॉर यू। खुद बना के क्या तारीफ करूं, जया का तारीफ जो है वो सुनूंगी मैं। टू गुड, दिस इज हेवनली डिलीशियस, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। दिस इज माय फेवरेट पार्ट, ये बहुत सॉफ्ट है, टेंडर है, इसमें सारे मसाले बहुत अच्छे से कोट हुए हैं, हम काफी देर इसे लो आंच में पकाए हैं। So let me take the soulful bite of this. Mm.
what to say. This is so soft, so tender. Because of the marination, it's very soft and tender. Okay. मैं थोड़ा rice का नींबू का ना मुझे taste आया मेरे मुंह में. अब जो है मम्मी थोड़ा सर्व कर रही है मुझे, क्योंकि झूठा नहीं करने दे रही है. तो ठीक है थोड़ा सा मुझे जीरा राइस थोड़ा देना मम्मी, इतना सारा खाना नहीं खा सकती. बस 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 हाँ. नहीं नहीं और नहीं, नहीं मैं और एक पकौड़ा है. तो अब एक बाइट जो है जीरा राइस के साथ. ओह सी ये राइस देखो पूरा खुला खुला सा है, एक दूसरे से पूरा अलग. जीरा का बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है. ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ जीरा राइस, बट मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं अलग चीजों के साथ ट्राई करूँ. तो आपको अच्छे लगते तो आप जरूर इसके साथ खाना. ये रहा रायता जो मैं भूल गई थी, मम्मी ने याद दिलाया है. चूड़ी का खान 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 करते करते मुझे याद नहीं जीरा राइस खाना हो गया. और मैं कैसे नॉर्मल राइस बिना खाए उठूं? माय मूविंग वीडियो इज इनकम्प्लीट विदाउट अ राइस. देखो जी जितना भी राइस खा लो, फ्राइड राइस खा लो, ये लो खा लो, वो खा लो, सीजन राइस खा लो, बट जो मजा आपको नॉर्मल राइस देने वाला है कोई नहीं दे सकता. दिस इज माय सोलफुल बाइट. आई विल टेक अ अनियन इसके साथ. ओह और कुछ है लेने लायक नहीं. दिस इज नॉट नॉर्मल राइस, इसे पता है ये गोविंद भोग राइस है. मतलब आपको अगर पता है गोविंद भोग राइस क्या है तो आपको मालूम होगा कितना अच्छा स्मेल और इसका टेस्ट है. ये खाना ना डबल हो जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राइस. विद दिस आई एम गोना एंड माय वीडियो राइट हियर, बिकॉज मैं ये लंच जो है डिलीशियस मैं जया और मम्मी के साथ खाने वाली हूँ. सो जो भी मैंने खाया बिकॉज ऑफ यू, आप लोग के लिए थोड़ा खाया, अब इन लोग के साथ थोड़ा सा खाऊंगी. सो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना और इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना. हैप्पी ईटिंग, खाते रहो और क्या. सो अब जया और मम्मा खा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा हटी हूं ताकि मैं उनका वीडियो ले सकूं. जया भी क्या खा रही है? बहुत यम है, बहुत ज्यादा अच्छा है. ये चिकन जो भी कबाब या पकौड़ा जो भी बोल कबाब फ्राइड कबाब फ्राइड बहुत अच्छा हुआ रे, बहुत अच्छा हुआ रे.